Assalamu alaikum. Good morning and subah bakhair from Lahore. Jaisa ki maine general lectures ke bare mein, jaise Liguria ke bare mein pichle lectures se guftugu shuru ki hai. Hello, assalamu alaikum and very good morning from Lahore. Subah bakhair. जैसा कि सेहत यामा के बारे में गुफ्तगू पिछले लेक्चर में हमने लिकोरिया के बारे में शुरू की है, तो उसी गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये एक रतूबत का इखराज होना है जो कि औरत के वेजाइना के अंदर से निकलता है। पर अक्सर पास ये नॉर्मल सिक्रीशन होती है जो कि माहवारी के दौरान मिड साइकिल में यानी माहवारी के बिल्कुल दरमियान में रतूबत ज़्यादा हो जाती है और इसी तरह एंड में भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये एक नॉर्मल म्यूकस में ब्रेन जो वेजाइना के अंदर की तय है वहाँ से खारिज होती है ताकि उसको तर रखा जाए और वो लुब्रिकेट रहे। तो ये तो एक कुदरती नॉर्मल अमल होता है, लेकिन बाज़ अवक़ात ये बहुत पेचीदा मसाइल की शक्ल इख्तियार कर जाता है उस वक्त जब इसमें इन्फेक्शन हो जाती है और फंगल इन्फेक्शन खासकर बहुत रेजिस्टेंट होती है और वो उसका ठीक होना ज़रा देर से वो मुश्किल से ठीक होती है। तो बुनियादी तौर पे जो माहवारी के दौरान जो सबसे ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत है उस पर मैं ज़ोर दूंगा। हम लिकोरिया के वजूहात असबाब और उसका ट्रीटमेंट तो अगले लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन मैं ये बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि सबसे पहले तो हिफ्सान सेहत के असूलों के बारे में बच्चियों को आगाह किया जाए। ये स्कूल का बेसिकली फ़र्ज़ है कि जो कि हेल्थ एजुकेशन के हवाले से बच्चों को अवेयरनेस दें, बच्चियों को ख़ासतर कि जब माहवारी स्टार्ट होती है तो उनको बाज़ का पता ही नहीं होता कि ये भी एक नॉर्मल तरीका है इंसान का। फिर दूसरी शक्ल है कि उसको कैसे संभालना है। अब हमारे माशरे में इसको बहुत ही एक गंदा काम समझा जाता है, यानी औरत नापाक है, इसके करीब नहीं जाना, और जो भी बचा खुचा कपड़ा गंदा है उसको पैड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि साफ सुथरी कॉटन, साफ कपड़ा, या अगर आप अफोर्ड करें तो आप पैड यूज़ करें, सबसे बेहतर तो वो है। ताकि क्योंकि जिस वक्त माहवारी आ रही होती है उस वक्त समझे यूट्रस यानी जो बच्चा दानी है उसकी एक तय उतर के आ रही होती है, शेड हो रही होती है, और पूरी यूट्रस अंदर से एक जख्म की सी कैफियत होती है। और चूंकि वेजाइनल कैनाल बहुत छोटी है जिसमें से इन्फेक्शन बड़ी जल्दी से ट्रेवल करके वहां तक पहुंच सकती है, तो इस दौरान हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है ताकि इन्फेक्शन हमारे बाहर के सुराख से अंदर ना दाखिल हो। तो साफ सुथरी कॉटन, साफ सुथरा कपड़ा, और सबसे बेहतर ये है कि हम जो सैनिटरी पैड्स मिलते हैं वो इस्तेमाल करें। और दूसरी अहम बात कि जो ही माहवारी शुरू हो जाती है बच्चों को कहा जाता है तुमने पानी के करीब नहीं जाना, हाथ नहीं धोना, तुमने वॉश नहीं करना, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। बल्कि इस दौरान तो बहुत ज़्यादा हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तवज्जो करने की ज़रूरत है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। डेली शावर लें, सर्दियों का मौसम है तो गर्म पानी से नहाएं, गर्मियों में तो ताज़ा पानी से नहाएं ताकि साफ रहें, और उसके बाद इन्फेक्शन के प्रोसेस को हम रोक सकते हैं। और ये एक हम चूँकि हम प्रीवियसली एक हिंदू माशरे में रहते रहे हैं और वो उसी तरह के कल्चर हमने अडॉप्ट कर लिया है कि जी ये जो औरत को मेंसेस शुरू हो गए हैं ये अब नापाक है, ये घर के कोई काम नहीं करेगी, ये खाना नहीं पकाएगी, ये आटा नहीं गूंदेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, पानी के करीब नहीं जाएगी, ये सब मिथ्स हैं। हम बीइंग मुस्लिम सफाई निसफ ईमान है और हमने हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से अमल करना है। तो ये ज़रूर इसमें बच्चियों को गाइड कीजिए कि माहवारी के दिनों में पैड इस्तेमाल करें या साफ कपड़ा इस्तेमाल करें और उसको जल्दी चेंज करें। बहुत ज़्यादा सोक अगर हो जाए और वो वेट हो जाए तो वो भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा। और वॉश करें, गर्म पानी से वॉश करें, शावर लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये लिकोरिया के बारे में जो रेगुलर लेक्चर हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं स्टार्ट करूँगा।
ये मैं बहुत जरूरी समझा, क्योंकि ये लिकोरिया से ही रिलेटेड है हिफ्जान सेहत के असूलों पे अमल करना। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड माई चैनल नेम इज डॉक्टर जावेद इकबाल खोखर। Thank you very much.